वेलकम बैक एवरीवन, और स्वागत है आपका फिर से पेडागॉजी मास्टर सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। टॉपिक आपको आज सुबह टेलीग्राम पे मैसेज में बता दिया गया था कि ये वाला टॉपिक आज होने वाला है, और मतलब यहाँ तो सिर्फ नाम लिखा है, इसके अंदर की भी बताई गई थी कि IQ फैक्टर्स अफेक्टिंग IQ, स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम इस टॉपिक की बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एवरी टीचिंग एग्जाम। किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बेसिक एग्जाम हो जैसे कि सीटेट, या एडवांस एग्जाम हो जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSSB या और भी कोई एग्जाम, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम डिस्कस करेंगे जैसा कि हम हमेशा कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस करें। फैक्चुअल क्वेश्चन तो जो किताब में लिखा है वही रहेगा ना, वो उसका आंसर चेंज तो हो नहीं जाएगा, तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि हम फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम डिस्कस कर रहे हैं। अनलाइक अदर यूट्यूबर्स, आपने देखा होगा कि हम फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं लाते हैं, बहुत ही रेयरली लाते हैं, जहां पे हमें लगता है कि शायद ये चीज बतानी जरूरी है, अदरवाइज हम फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं लाते हैं। टॉपिक है हमारा इंटेलिजेंस एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। पहले थोड़ा सा नाम का मीनिंग बता देता हूँ, क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे बट थोड़ा सा नाम का मीनिंग बता देता हूँ। देखिए, इंटेलिजेंस जो है बुद्धिमता, मतलब बहुत लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश करी, किसी ने इसको IQ से मेजर करने की कोशिश करी, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, अलग अलग डेफिनेशन उन्होंने दी है, बट मैंने इस चैप्टर का नाम इंटेलिजेंस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों रखा, क्योंकि इंटेलिजेंस एक वो चीज है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बहुत बड़ा कारण है। मतलब बच्चे जो अलग अलग हैं, उनकी जो एबिलिटीज अलग अलग हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है उनकी इंटेलिजेंस में डिफरेंस। तो इंटेलिजेंस की वजह से, इंटेलिजेंस में डिफरेंस की वजह से आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसलिए मैंने चैप्टर का नाम ये रखना बहुत ही सही समझा, मैंने इसको सिर्फ इंटेलिजेंस ना बोल के इंटेलिजेंस एंड इंडिविजुअल डिफरेंस इस चैप्टर का नाम रखा। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की ही हम बात करते हैं। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को लेकर बड़ा रोड़ा मचा रहता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ IQ स्कोर अच्छा ले आना इंटेलिजेंस है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लेना इंटेलिजेंस है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नए तरीकों से सोचना इंटेलिजेंस है। तो बहुत सारी डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सीखते हैं, समझते हैं, तो कुछ लोगों को हो सकता है क्वेश्चन इंग्लिश में पसंद हो, कुछ लोगों को हो सकता है हिंदी में पसंद हो। इसकी PDF ऐप पे पड़ी हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं है ऐप पे तो ऐप पे आ जाइए, स्टडी मटेरियल के सेक्शन में ये PDF पड़ी हुई है, और आप वो लैपटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट लेना है तो लैपटॉप का भी लिंक है, तो वहां से डाउनलोड करके आप प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, भले आप इंग्लिश में पढ़े हिंदी में पढ़े, पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट इंटेलिजेंस। मतलब कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सही है अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। कुछ हद तक तो ठीक है, देखो अगर आप स्कूल में अच्छा कर पा रहे हो तो मतलब आप इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहे हैं इंटेलिजेंस इज मल्टी डायरेक्शनल हैविंग सेवरल एस्पेक्ट्स टू इट, ये भी सही है। देखो पहले की डेफिनेशन में गलती क्या थी, कमी क्या थी, लोगों का मानना था कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक तरह की होती है, तो अगर कोई उस काम को बहुत अच्छे से कर पा रहा है तो वो इंटेलिजेंट है, अदरवाइज इंटेलिजेंट नहीं है। बट विद टाइम रिसर्च हुई, स्टर्नबर्ग की ट्रायार्किक थ्योरी आई, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आई, गार्डनर की, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करी, निकल के ये आया कि इंटेलिजेंस की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं हो सकती, इंटेलिजेंस की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं हो सकती, अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंसेज हैं, सब बच्चे अलग अलग तरह से इंटेलिजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट सही है। पहली में क्या गलती हो गई, अब पहली में यही गलती हो गई कि पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इंटेलिजेंस सिर्फ स्कूल में अच्छा करने की एबिलिटी है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो पहला जो ऑप्शन है गलत हो गया, दूसरा सही है, बट हम बाकी भी पढ़ेंगे, हो सकता है तीसरा चौथा ज्यादा सही हो। तीसरा कह रहे हैं बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट लो, IQ टेस्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं, असेसमेंट का पार्ट है, बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब है जो सब लोगों के लिए एक सा रहे। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट लो, IQ टेस्ट लो स्टैंडर्डाइज, और उसके बेसिस पे हम 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन नहीं है। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि सिर्फ एक तरीके के ऊपर सारा जोर दिया जा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन जो थर्ड है ये भी गलत हो गया। फर्स्ट तो गलत था ही, सेकंड अभी डाउटफुल है, हमें नहीं पता कि सेकंड या थर्ड में से कौन सा ज्यादा सही है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन, सॉरी सेकंड और फोर्थ में से, तो सेकंड हमने देख रखा है, अभी हम फोर्थ और पढ़ लेते हैं। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरण प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि।
इसका क्या मीनिंग है कि इंटेलिजेंस जो है वो ब्रेन से जुड़ी है, न्यूरोलॉजिकल वर्ड का मतलब होता है ब्रेन से जुड़ी हुई, तो ब्रेन की फंक्शनिंग से जुड़ी है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब आप कितने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दिमाग में, ये होता है स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, अब इस ऑप्शन में भी क्या गलती है कि इंटेलिजेंस सिर्फ ब्रेन से ना जुड़ के, ध्यान से सुनना, ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड से ना जुड़ के और भी बहुत चीजों से रिलेटेड है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा है मान लो बहुत इंटेलिजेंट है बट वो किसी नई जगह में अपने आप को ढाल नहीं पाता, तो वो बच्चा 100% हम ये नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंट है ही है, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। तो पूरी तरह से ब्रेन की फंक्शनिंग से नहीं जुड़ी हुई है इंटेलिजेंस, और भी एस्पेक्ट है उसके, मल्टी एस्पेक्ट है, जो कि गार्डनर की थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले इंटेलिजेंस के ऊपर जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट साइकोलॉजी नाम की प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, आप उसको देखिए, इंटेलिजेंस की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो उनको देख के आइए, तब आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की फंक्शनिंग से नहीं जुड़ी है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, जो सही बच गया वो है आंसर सेकंड। और ये किसके अकॉर्डिंग सही है, ध्यान से सुनिए, ये कि इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल हैविंग सेवरल एस्पेक्ट्स टू इट। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि इंटेलिजेंस जो है मल्टी डायमेंशनल है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, तो कोई एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट हैं इंटेलिजेंस के। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टू। इस तरह से मतलब बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को हम करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बुद्धि में शामिल है, मतलब इंटेलिजेंस के अंदर क्या इंक्लूड होता है। पहला ऑप्शन, द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस नोवल ओरिजिनल आंसर टू प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक भाई, क्रिएटिविटी जो है, नई चीजें निकालना जो है वो इंटेलिजेंस का पार्ट है, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन, एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ सिंगल रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, अभी जो सिंगल रिस्पॉन्स है ये क्रिएटिविटी का बिल्कुल उल्टा हो गया ना, कि मतलब एक ही तरह से सोच पा रहे हैं, तो ये तो गलत है, ये इंटेलिजेंस का सबूत नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है कि इंटेलिजेंस में ये नहीं आता, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है, मतलब ग्रुप ऑफ एबिलिटीज, ग्रुप ऑफ एबिलिटीज। अब देखो, ग्रुप ऑफ एबिलिटीज या सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मानते हैं ना कि इंटेलिजेंस एक तरह की नहीं है, इंटेलिजेंस तो बहुत सारे तरह की है, तो सही है बिल्कुल ये, मतलब तो फर्स्ट भी सही था, ये भी सही है। अब और भी देख लेते हैं, फोर्थ कह रहे हैं, अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये तो पूरी तरह से गलत है, ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ना होके लर्निंग की डेफिनेशन है, कि अनुभव के आधार पर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करना। तो सेकंड और फोर्थ में तो हम कंफर्म है कि गलत है। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन था इंटेलिजेंस, ये जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ना होकर क्रिएटिविटी की डेफिनेशन है, और क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि क्रिएटिव बच्चा ही इंटेलिजेंट होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी किताबों में, स्पेशली बहुत सारी कौन सी किताबों में, ये जो इंडियन ऑथर्स हैं उनकी किताबों में चीज बहुत गलत लिखी है। क्या गलत लिखा है, वो क्या मानते हैं इंडियन ऑथर्स, ध्यान से सुनिए, वो मानते हैं कि क्रिएटिविटी अगर है तो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, और अगर इंटेलिजेंट है तो क्रिएटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा इंडियन ऑथर्स ने लिखा हुआ है अपनी बुक्स में, मुझे पता है, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, गलत लिखा है ये जो कॉन्सेप्ट है गलत है, कि क्रिएटिविटी की वजह से इंटेलिजेंस है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव जरूर होगा, ध्यान से सुनिएगा, बट अगर एक बच्चा क्रिएटिव है तो वो इंटेलिजेंट हो इसकी गारंटी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जो साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करी उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन ऑथर्स के बेसिस पे नहीं बता रहा हूं, जो एक्चुअल रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग है वो क्या बताती है, इंटेलिजेंट बच्चा क्रिएटिव जरूर होगा, बट क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। इंडियन बुक्स में ठीक उल्टा लिखा है, वो कहते हैं क्रिएटिव है तो इंटेलिजेंट जरूर होगा, बट अगर इंटेलिजेंट है तो क्रिएटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत है। सही कॉन्सेप्ट है ये कि अगर इंटेलिजेंट है तो क्रिएटिव जरूर होगा, बट अगर क्रिएटिव है तो इंटेलिजेंट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसी वजह से पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये क्रिएटिविटी की डेफिनेशन है, इससे इंटेलिजेंस आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ये जो है थर्ड, अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, मतलब एक ग्रुप है, उनमें से बहुत सारी एबिलिटीज है बच्चे में जो उसको दुनिया में ढलने में मदद करती है, तो थर्ड ऑप्शन सबसे सही है, थर्ड ऑप्शन सबसे सही है, ठीक है। तो पढ़िए थोड़ा सा, अच्छी किताबें पढ़िए, ठीक है, हमारे पास इंडियन ऑथर्स की बुक अवेलेबल है, बट इंडियन ऑथर्स ने इसमें रिसर्च बहुत कम की है,
तो इंडियन ऑथर्स कहीं से कुछ भी छाप देते हैं और उसके पीछे रिसर्च हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो थोड़ी अच्छी किताबें पढ़िए, थोड़ी फॉरेन बुक्स पढ़िए, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, स्पेशली अगर आप इंटेलिजेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, तो आपको बताना चार में से कौन सा ऐसा है जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। इंटेलिजेंस तो नहीं ना, मतलब रटना है तो, है ना, मेमोराइजेशन है ये। इंटेलिजेंस अलग चीज है, मेमोराइजेशन अलग चीज है, तो यही होना चाहिए कि ये लक्षण नहीं है, बट हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है इससे अच्छा भी कोई आंसर हो। दूसरा कह रहे हैं, वन हु हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली। जो बच्चा बहुत फ्लुएंटली बोल सकता है, अप्रोप्रिएटली बोल सकता है, ये इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। ये है लैंग्वेज वाली इंटेलिजेंस, गार्डनर की थ्योरी आएगी अभी आगे, तो गार्डनर की थ्योरी बताती है कि लैंग्वेज की भी एक इंटेलिजेंस होती है, तो ये वो लैंग्वेज वाली ही इंटेलिजेंस है, तो ये तो बहुत सही है। अगला कह रहे हैं, वन हु कैरीज थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, अमूर्त चिंतन मतलब इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन तो इंटेलिजेंस का पार्ट है। देखो तो सेकंड वाले इंटेलिजेंस का पार्ट है, थर्ड वाले इंटेलिजेंस का पार्ट है। फोर्थ कह रहे हैं, वह जो नए प्रवेश परिवेश में अपने आप को समायोजित कर सकता है, मतलब अपने आप को ढाल ले, ये भी इंटेलिजेंस का पार्ट है। गार्डनर की थ्योरी बहुत सारी टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात करती है, और ये तीनों को तो गार्डनर ने अपनी थ्योरी में स्पेशली इंक्लूड किया है। जब हम गार्डनर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आएगा। थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बुक से भी पढ़ सकते हो, पेड वीडियो कोर्स में भी है, और जो फ्री वीडियो यहाँ पढ़ी हुई है यूट्यूब में साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में, उसमें भी है। तो गार्डनर के अकॉर्डिंग ये तीनों तो इंटेलिजेंस का पार्ट है, बट पहला की बहुत ज्यादा रट लेना क्वेश्चन को, ये इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है एज पर गार्डनर। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कौन सा इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है, तो पहला आंसर हो गया कि रटना जो है वो इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है एज पर साइकोलॉजिस्ट, मल्टीपल साइकोलॉजिस्ट। मैं गार्डनर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गार्डनर सबसे फेमस है, बट मल्टीपल साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि रटना जो है वो इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कुछ आसान है, कुछ थोड़े डिफिकल्ट भी आएंगे, जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है। कह रहे 16 वर्ष का बच्चा है और बुद्धि लंबी परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। पहले तो 75 अंक, आईक्यू टेस्ट में 75 अंक, मतलब बच्चा जो है वीक है, मेंटली वीक है, क्योंकि 100 तो एवरेज होता है, 100 स्कोर तो एवरेज होता है, उससे ऊपर वाला इंटेलिजेंट जाना शुरू होता है, 100 से नीचे वाला कम इंटेलिजेंट है। तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? बड़ा आसान सा फॉर्मूला है आईक्यू का, आप लोगों को पता होगा। आईक्यू होता है मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। अब आईक्यू बच्चे का दे रखा है 75, मेंटल एज हमें निकालनी है तो इसको मान लेते हैं एक्स, मेंटल एज हमें निकालनी है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, जो उसकी एक्चुअल एज है, वो है 16 गुणा 100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 16 यहां ले जाके गुणा कर देना, 100 को नीचे लाके डिवाइड कर देना, तो जो मेंटल एज है इससे अगर आप सॉल्व करोगे, मेंटल एज या हम बोले एक्स की वैल्यू, वो आएगी 12। तो मेंटल एज जो है वो आएगी 12। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी है छोटी सी, तो आंसर हो गया सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि मेंटल एज निकालनी थी, है मेंटल एज निकालनी थी, आईक्यू स्कोर दे रखा है, एज दे रखी है, फॉर्मूले में पुट किया, आंसर 12 आ गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं जैसे कि ये, बट पेपर में ये भी आते हैं तो कर लीजिएगा, है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए अगले पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को बहुत गलतफहमी है, बहुत ही ज्यादा गलतफहमी है। क्वेश्चन है कि आपका जो आईक्यू स्कोर है वो सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, तो क्या आईक्यू स्कोर पूरी तरह से जुड़ते हैं आपकी परफॉर्मेंस से, या आधी तरह से जुड़ते हैं, बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं, थोड़े थोड़े जुड़ते हैं, क्या है? तो आईक्यू स्कोर आर जनरली डैश कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। पहले तो मैं इसका आपको आंसर बताता हूं, फिर यह भी बताऊंगा किसके अकॉर्डिंग है। इसका आंसर है, ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर परफेक्टली नहीं है। परफेक्टली का मतलब है 100%। इसका आंसर हाईली भी नहीं है, हाईली का मतलब हो गया लगभग 90% कोरिलेशन। इसका आंसर लीस्ट भी नहीं है, लीस्ट का मतलब बिल्कुल भी खास कोरिलेशन है नहीं। इसका आंसर है मॉडरेट। आईक्यू स्कोर हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस से मध्यम रूप से जुड़ते हैं। इसका क्या मतलब है? डेनियल गोलमैन है एक बहुत ही फेमस पर्सन है, साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो आप उनको, रिसर्चर कह सकते हो आप उनको। उनकी थ्योरी है इमोशनल इंटेलिजेंस की। उनकी बुक का नाम सुनिएगा ध्यान से, बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट मैटर्स मोर देन आईक्यू। बहुत छोटी सी, बहुत पतली सी किताब है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो बताते हैं अपनी रिसर्च में, उन्होंने बहुत लोगों के ऊपर रिसर्च करी, और वो बताते हैं अपनी रिसर्च में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आईक्यू जो है बहुत हाई है, बट वो लाइफ में अगर हम बात करें क्या वो सक्सेसफुल हैं,
वो सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आईक्यू तो हाई है बट वो सक्सेसफुल नहीं है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आईक्यू एवरेज है, एवरेज, बट वो लाइफ में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर आईक्यू का स्कोर हमारी परफॉर्मेंस से पूर्ण रूप से जुड़ता तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाई आईक्यू वाले लोग सक्सेसफुल नहीं होते। उच्च रूप से जुड़ता तब भी ऐसा नहीं होता कि हाई आईक्यू वाले लोग सक्सेसफुल नहीं होते। माध्यमिक रूप से जुड़ने का मतलब क्या है कि कुछ हाई आईक्यू वाले लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और कुछ हाई आईक्यू वाले लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कुछ लो आईक्यू वाले लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और कुछ लो आईक्यू वाले लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि सब कुछ नहीं है आईक्यू। उनकी बुक का नाम यही है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट मैटर्स मोर देन आईक्यू। तो आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ईक्यू। ईक्यू होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, इमोशनल कोशेंट। जैसे आईक्यू होता है वैसे ईक्यू होता है। ईक्यू का कोई फॉर्मूला नहीं है बट इमोशनल कोशेंट ये बताता है कि लाइफ में कौन सक्सेसफुल होगा कौन नहीं होगा। इमोशनल कोशेंट जिसका हाई होगा वो जरूर सक्सेसफुल होगा, इमोशनल कोशेंट जिसका लो होगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ऐसे लोग हैं जिनका ईक्यू जो है वो लो है, आईक्यू जो है वो हाई है। तो ईक्यू लो है, आईक्यू हाई है। अब आईक्यू भले ही हाई है बट क्योंकि ईक्यू लो है ये लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ईक्यू जो है वो बहुत हाई है, बहुत हाई है इमोशनल कोशेंट, बट उनका आईक्यू जो है वो एवरेज है, वो एवरेज है। तो क्योंकि इनका ईक्यू हाई है भले आईक्यू एवरेज हो ये लोग बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होंगे। तो असली चीज आईक्यू नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, असली चीज आईक्यू नहीं है जो आपको सक्सेस या फेलियर की तरफ ले जाती है, असली चीज ईक्यू है, ईक्यू इमोशनल कोशेंट। ठीक है, तो इमोशनल कोशेंट डिसाइड करता है कि कौन सक्सेसफुल होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए है कि देखने से तो भले एक वर्ड का है बट इसका आंसर बहुत लोग गलत करते हैं, बहुत लोग गलत करते हैं, बहुत बुक्स में भी गलत लिखा हुआ है। बट इंडियन ऑथर्स के साथ प्रॉब्लम है ना, कुछ भी छापते हैं बिना रिसर्च के, तो ये प्रॉब्लम है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कथन है कि अधिकतर लोग औसत हैं, केवल कुछ ही बहुत बुद्धिमान है, केवल कुछ ही बहुत मंद बुद्धि है, ये किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? ये जो स्टेटमेंट है कि बहुत सारे लोग एवरेज हैं, बहुत कम लोग हैं जो हाईली इंटेलिजेंट है, बहुत कम लोग हैं जो बिलो इंटेलिजेंट लेवल में आते हैं, मतलब जिनको हम स्टूपिड कह सकते हैं, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? ध्यान से सुनिएगा। आईक्यू बहुत लोगों का कैलकुलेट किया गया, ये रिसर्च अमेरिका में हुई है, बहुत सारे लोगों का आईक्यू कैलकुलेट किया गया और उस जो कैलकुलेशन हुई उसके बेसिस पे ग्राफ प्लॉट किया गया, ग्राफ प्लॉट किया गया और ग्राफ की शेप बनती है ऐसी सी, ऐसी सी। इसको बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व, क्योंकि घंटी जैसी शेप है इसकी। अब इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है, यहां पे ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है इसको मैं कलर कर देता हूं ब्लू, ये है एवरेज का एरिया। ये जो एरिया है ये वाला, ये है एवरेज से और नीचे और ये है एवरेज से और ऊपर, तो ये अबव एवरेज है और इससे भी आगे है हाईली इंटेलिजेंट लोग, तो हाईली इंटेलिजेंट को मैं ग्रीन कर देता हूं। इसी तरह से यहां पे है हाईली स्टूपिड लोग, तो बहुत कम लोग बहुत स्टूपिड है, बहुत कम लोग हाईली इंटेलिजेंट है, मैक्सिमम लोग एवरेज है। ये जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या बताती है? ये इस ग्राफ के बारे में बताती है और इस ग्राफ को कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इस ग्राफ को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू स्कोर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो आंसर हो गया पहला, बुद्धि का वितरण। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, बशर्ते आपने ये ग्राफ पढ़ा हो, बशर्ते आपने ये ग्राफ पढ़ा हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेलिजेंस का ग्राफ। अगर आपने नहीं पढ़ा है, वीडियो पड़ी हुई है साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वीडियो मिल जाएगी, बहुत अच्छे से ग्राफ को एक्सप्लेन किया हुआ है और इस ग्राफ के बेसिस पे और भी दो तीन चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बट हाँ ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन नहीं किया, मैथमेटिकली बहुत बहुत हाई लेवल का मैथमेटिक्स है इसमें, जो कॉलेज लेवल का जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा उनको आता होगा, प्रोबेबिलिटी जिन्होंने अच्छे से पढ़ी उनको आता होगा, तो मैथमेटिक्स में मत घुसिएगा इसके। मैंने मैथमेटिक्स जानबूझ के नहीं बताया है बट कॉन्सेप्ट समझा दिया है इससे, तो देखिए जाके वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये, टॉपिक मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग आईक्यू स्कोर, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आईक्यू स्कोर को प्रभावित करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब वो अगेन, अगर आपने थ्योरी पढ़नी है तो चाहे पेड वीडियो देखिए या फ्री वीडियो देखिए, दोनों में ही एक्सप्लेनेशन है, पेड में थोड़ा अच्छे से है, फ्री वाली में थोड़ा कम अच्छे से है, अच्छे से उसमें भी है, हम बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, बट जिन लोगों को बहुत डीप में पढ़ना है उनके लिए पेड कोर्स है। तो क्वेश्चन है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा, दो बच्चे हैं,
दोनों ट्विन्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जुड़वा भाई हैं, एक समान जुड़वा भाई, मतलब सब कुछ एक जैसा है उनका, बट एक को रिच फैमिली को दे दिया, एक को पुअर फैमिली को गोद दे दिया। अब क्या होता है, एक वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना है, एक वर्ष बाद, ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ष बाद कुछ चेंज नहीं होता है, बट बहुत सारे सालों में चेंज होता है। जब आप वीडियो देखेंगे जो मैं बता रहा हूं, चाहे पेड में हो या फ्री में हो, इवन बुक में भी लिखा हुआ ये कॉन्सेप्ट मैंने, जब हम बहुत लंबे टाइम तक अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उस एनवायरनमेंट का हमारे आईक्यू पर इफेक्ट पड़ता है बहुत लंबे टाइम में। ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक साल में, 10 सालों में, 15 सालों में इफेक्ट पड़ता है। तो 10 साल 15 साल में ना डिफरेंस नजर में आने लगता है, भले ही दो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन्स बच्चे हों, 10 साल तक अगर वो अलग अलग घरों में रहे तो उनके आईक्यू में डिफरेंस नजर आएगा, बट 10 सालों में नजर आएगा, एक साल में नजर नहीं आएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में एक साल बोला, ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन में एक साल बोला हुआ है तो इसका आंसर होगा कि दोनों का आईक्यू लगभग सेम ही होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर इसी क्वेश्चन में यहां पे 10 साल बोला होता, इसी क्वेश्चन में यहां पे 10 साल बोला होता, तो आंसर होता कि जो गरीब परिवार का बच्चा है और जो अमीर परिवार का बच्चा है, उनमें से अमीर परिवार के बच्चे का आईक्यू थोड़ा सा ज्यादा होगा, गरीब परिवार का थोड़ा सा कम होगा। बट ये डिफरेंस कितने सालों में आएगा, कम से कम 10 सालों में, कम से कम 10 सालों में। क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जो अमीर परिवार का बच्चा है इसको स्कूलिंग अच्छी मिलेगी, और जो गरीब परिवार का शायद इसको स्कूलिंग अच्छी ना मिल पाए। तो रीजन है, एनवायरनमेंट का बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारी इंटेलिजेंस पे और हमारे आईक्यू स्कोर पे, एनवायरनमेंट का। अब आप खुद सोचिए ना, ऐसा क्यों होता है कि मतलब जो नोबेल प्राइज मिल रहे हैं साइंटिस्ट को, जनरली अमेरिका के या जापान के या यूरोप के देशों को मिल रहे हैं, इंडिया में नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे? उसका रीजन ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास एनवायरनमेंट में उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही। ऐसा क्यों होता है कि भारत का ही एक साइंटिस्ट जब अमेरिका चला जाता है, वहां जाके रिसर्च करता है, तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाता है? भारत का ही एक इकोनॉमिस्ट जब अमेरिका चला जाता है, वहां जाके रिसर्च करता है, तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाता है, बट भारत में नहीं मिल पाता। रीजन क्या है? एनवायरनमेंट का डिफरेंस। तो एनवायरनमेंट से शुरू में तो नहीं, बट कम से कम 10 सालों में बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है? तो 10 सालों में, मगर क्योंकि यहां पे एक साल था, तो यहां पे आंसर होगा बोथ विल देन स्कोर इक्वली, दूसरा ऑप्शन कि दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। बट यहीं पे अगर एक वर्ष की बजाय 10 वर्ष हो, कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात का आंसर होगा पहला, निर्धन परिवार वाले की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो यह है 10 साल वाला आंसर, ठीक है? यह है आपका 10 साल वाला आंसर, जो पहला ऑप्शन है, यह है 10 साल में, अगर क्वेश्चन में 10 साल पूछा हो तो यह वाला आंसर है, ठीक है? पहला ऑप्शन, अदरवाइज ऑप्शन सेकंड है। तो आपको यह समझना है क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, बहुत ढंग से सोच के आंसर देना है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश करता है और उसके शैक्षणिक निष्पादन को भी डैश करता है। ये एक रिसर्च है, भारत में भी अब ऐसा हुआ, उसका रिजल्ट टाइम के साथ पता चल ही जाएगा लोगों को। यह ना रिसर्च सिंगापुर में हुई। सिंगापुर में क्या किया गया, सिंगापुर में दो करिकुलम बनाए गए। बोला गया कि जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं, जिन इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो अच्छे नंबर लाते हैं, उनको डिफिकल्ट करिकुलम दिया जाएगा, और जो बच्चे वीक हैं उनको आसान करिकुलम दिया जाएगा। फायदा क्या होगा इससे, अच्छे बच्चों को अच्छा लेवल का करिकुलम मिल गया, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन का उनका पेपर आएगा, उनको भी अच्छा लगेगा। और ये जो कम अच्छे बच्चे हैं, जिनका ब्रेन थोड़ा कम काम करता है, इनको हम लो लेवल का करिकुलम देंगे, ये भी अच्छे से पास हो जाएंगे, ये भी खुश रहेंगे, तो सब खुश रहेंगे, यही थिंकिंग थी। रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट उल्टा आता है। जो आसान करिकुलम था उसमें हमने उन बच्चों को भेजा जिनकी बुद्धि थोड़ी कम थी, वो उसमें भी फेल हो गए, और जो अच्छे बच्चे थे उनको हमने डिफिकल्ट करिकुलम दिया, वो भी उसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं। ये कैसे हुआ भाई, आसान में कैसे फेल हो गए, ये तो इनके लेवल का करिकुलम हमने दिया था। होता क्या है, इंटेलिजेंस सब कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, पीछे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, सबसे बड़ी चीज आईक्यू नहीं है, सबसे बड़ी चीज ईक्यू है, असली चीज ईक्यू है जो परफॉर्मेंस डिसाइड करती है। इमोशंस बहुत बड़ी चीज है, इमोशंस का आपके ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है वो बहुत बड़ी चीज है, तो असली चीज ईक्यू है। हुआ क्या, ये क्यों हुआ, मतलब इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। जो केस हुआ, हुआ क्या, जब हमने बच्चों को अलग अलग डिवाइड कर दिया,
तो जो कम बुद्धि वाले बच्चे थे उनके मन में क्या फीलिंग आ गई, हम तो बहुत वीक बच्चे हैं, हम तो नालायक बच्चे हैं, हम तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम तो सीख ही नहीं सकते। तो जो आसान करिकुलम था वो उसमें भी अच्छा स्कोर नहीं कर रहे, और जो दूसरे बच्चे थे उनमें क्या आ गया, उनमें आ गया एटीट्यूड कि हम तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, हुआ कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इमोशंस दोनों तरफ से हिल गए। तो जो वीक बच्चे थे उनके भी इमोशंस हिल गए, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनके भी इमोशंस हिल गए। तो इमोशंस ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। तो हुआ क्या, जो एक्चुअल रिसर्च थी उसका रिजल्ट क्या आया कि जब हम बच्चों को इस पर बांटते हैं तो उनकी स्व गरिमा भी घटती है, ध्यान से सुनिएगा, उनका सेल्फ एस्टीम भी गिरता है और उनकी अकेडमिक परफॉर्मेंस भी गिरती है। मतलब जो जिन्होंने लोगों ने पॉलिसी सोची थी कि ऐसा करेंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा था, इतना डीप में उन्होंने रिसर्च नहीं करी थी, बट बाद में जब रिजल्ट निकल के आया तो बिल्कुल शॉकिंग रिजल्ट थे। क्यों? बिकॉज आईक्यू के बेसिस पे जब आप बच्चों को परफॉर्मेंस उसमें अलग अलग क्लासेस में अलग अलग करिकुलम देके बांट दोगे, सेल्फ एस्टीम भी गिरेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी गिरेगी। आंसर हो गया थर्ड। मुझे पता है कि इसका आंसर बहुत सारी बुक में बहुत अलग लिखा हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर बहुत अलग बताते हैं, बट मैंने आपको इसके पीछे की ओरिजिनल रिसर्च बता दी। यकीन ना आए तो फॉरेन ऑथर्स की बुक उठा के पढ़ लेना, यकीन ना आए तो फॉरेन ऑथर्स की बुक उठा के पढ़ लेना, आपको भी पता चल जाएगा कि आंसर क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो जो सही जानकारी है उस पे जाइए, बुक्स में यूट्यूबर्स ने क्या बताया उस पे मत जाइए। अब नाइन्थ क्वेश्चन, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट ये है क्या? रेवन ने टेस्ट क्यों डिजाइन किया? आईक्यू टेस्ट बहुत सारे हैं, बट आईक्यू टेस्ट के ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता था और उसमें से एक फैक्टर था कल्चर। तो जब रेवन ने टेस्ट डिजाइन किया तो उनका एम ये था कि इसके ऊपर जो एनवायरमेंट में कल्चर का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है आईक्यू स्कोर पे वो ना पड़े। अब कल्चर का इफेक्ट कैसे पड़ता है वो समझने के लिए आप वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हम ये सब एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कैसे इंपैक्ट पड़ता है, बट बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपके आईक्यू स्कोर पर, आपके कल्चर का, आपकी संस्कृति का, आपके वातावरण का, आपके परिवेश का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो रेवन ने जब टेस्ट डिजाइन किया, टेस्ट का नाम है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, पर्पस उनका था कि कल्चर का इंपैक्ट ना पड़े। तो उन्होंने कैसा टेस्ट डिजाइन करने की कोशिश करी, कल्चर फ्री आईक्यू टेस्ट, उन्होंने ऐसा टेस्ट डिजाइन करने की कोशिश करी, संस्कृति से मुक्त बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो बड़ा सीधा क्वेश्चन है ये, अगर आपने पढ़ा होगा तो सीधा सीधा आपको आंसर पढ़ा होगा, थोड़ा डीपली अगर आपको पता होगा तो और भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता होंगी। तो वीडियो देख लीजिएगा या बुक में से पढ़ लीजिएगा, मैंने बुक में भी लिखा हुआ है, बट पढ़िए, तो कहीं से भी पढ़िए बट पढ़िए, ताकि आपको इसका सही आंसर क्यों है वो भी पता हो, सिर्फ क्या है वो ना पता हो। ठीक है, सिर्फ आंसर ये है, रटना नहीं है, समझना है। तो कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि इस वीडियो में ऑब्वियसली हो नहीं पाएंगे, तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस।